नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के प्रमुख समाचार। सुरेंद्र पुष्कर मामले में शशि थरूर से पूछताछ करेगी पुलिस। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर से उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय मौत के मामले में एक दो दिन में पूछताछ की जा सकती है। पुलिस प्रमुख ने कहा कि इस मामले में जो लोग भी संबद्ध हैं उनसे विशेष जांच दल पूछताछ कर रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल थरूर राजधानी से बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल की चुनाव आयोग से शिकायत। कांग्रेस ने आज आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की उस टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत कर उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है, जिसमें उन्होंने मतदाताओं से कहा था कि अगर भाजपा और कांग्रेस के लोग धन की पेशकश करें तो वे मना ना करें, लेकिन विधानसभा चुनाव में वोट आपको दें। शिकायत में कांग्रेस के सचिव और पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के प्रमुख केसी मित्तल ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी कर केजरीवाल लोगों को मतदान के लिए रिश्वत लेने के लिए उकसा रहे हैं। आप नेता आशुतोष को बंधक बनाया, दीवार फांदकर भागे। पत्रकार से आम आदमी पार्टी के नेता बने आशुतोष की उस वक्त फजीहत हो गई जब एक नुक्कड़ बैठक लेने के लिए रोहिणी पहुंचने के बाद उन्हें कार्यकर्ताओं ने खरी खोटी सुनाई और बंधक बना दिया। यहां से बच निकलने के लिए आशुतोष पिछले दरवाजे की ऊंची दीवार तक फंस गए। इस नुक्कड़ सभा का आयोजन उन्हीं की पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने किया था, जिन्हें इस बार टिकट नहीं दिया गया। बैंक कर्मचारी 21 जनवरी से हड़ताल पर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों ने 21 जनवरी से 4 दिन की हड़ताल का फैसला किया है। वेतन बढ़ोतरी से जुड़े मुद्दे के समाधान में केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये के खिलाफ कर्मचारियों ने हड़ताल का फैसला किया है। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ के महासचिव दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि इससे पहले 7 जनवरी को 1 दिन की हड़ताल करने का फैसला किया गया था, जिसे भारतीय बैंक संघ के आग्रह पर टाल दिया गया था ताकि सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान ढूंढा जा सके। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों को मर्यादा में रहने की नसीहत। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट कोच डेरेन लीमेन ने आज अपने खिलाड़ियों को चेतावनी दी कि मैदानी आक्रामकता दिखाते हुए वे मर्यादा का उल्लंघन न करें। त्रिकोणीय श्रृंखला के रविवार के मैच में डेविड वार्नर और रोहित शर्मा के बीच बहस हो गई थी। लीमेन ने कहा कि वे नहीं चाहते कि हालात बेकाबू हों। ये थे आज के प्रमुख समाचार। और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.webdunia.com। नमस्कार।